हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यमी टमी। मैं शिप्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और न्यू रेसिपी। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चले, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अब बिना डिले किए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं बनाना एंड चॉकलेट चिप्स केक, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बनाकर शेयर करती हूँ। फर्स्ट स्टेप है, हम एक एल्युमिनियम का केक मोल्ड ले लेंगे और उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, और इसके ऊपर आप चाहें तो ड्राई फ्लावर यानी मैदा छिड़क सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके का एक बटर पेपर लगा सकते हैं, इससे केक बहुत आसानी से निकल जाता है। आप चाहें तो इसकी साइड्स में भी इस तरीके से बटर पेपर लगा सकते हैं, साइड्स में भी इवन कुकिंग होती है इससे। तो ये मोल्ड हमारा तैयार हो चुका है, थोड़ा सा ऑयल आप ऊपर से भी ब्रश कर लीजिए ताकि बटर पेपर अच्छे से स्टिक भी हो जाए और केक अच्छे से निकल जाए। अब हम लेंगे दूध, और ये गुनगुना गर्म है यानी ल्यूक वॉर्म है, इसमें हम ऐड करेंगे अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। तो ये मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल 1/2 कप और मिल्क मैंने लिया था 1 कप। तो सारे मेजरमेंट्स आप एक ही बोल या कप से लें। इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी विनेगर, जो कि मैंने लिया है 1 चम्मच। विनेगर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे दूध हमारा थोड़ा सा कर्डल यानी फटना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी, तो हनी हमने लिया है 1 बड़े चम्मच। हनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस, और ये वेनिला एसेंस ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इस बनाना केक में स्किप कर सकते हैं। हम लेंगे 1 चम्मच वेनिला एसेंस। अब हमें इसमें ऐड करना है मैश्ड बनानास, तो ये बहुत ज़्यादा जो बनानास पक जाते हैं, वैसे मैंने लिए हैं 3 बनानास। तो अब इन बनानास को हम दूध के साथ हल्का सा मिक्स कर लेंगे और अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक तरफ रेडी करेंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम बनानास जब पक जाते हैं ओवर राइप हो जाते हैं, यानी जब ज़्यादा गल जाते हैं तो हम उसको क्या करें समझ नहीं पाते। तो इस तरीके से आप बनाना केक या मफिन्स बनाइए, बनाना मफिन्स बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी। लिक्विड बैटर रेडी हो चुका है, इसे साइड में रख लेंगे। अब हमने ले लिया है 1 छन्नी और इसमें लेंगे मैदा, तो मैदा मैंने लिया है 1 कप, और इसमें लेंगे हम 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप हम लेंगे शुगर, शुगर पाउडर में लिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। मैंने सारे मेजरमेंट्स एक ही बोल से लिए हैं, बस उन्हें मेजर करके रख लिया था अलग अलग। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और साथ ही में हम लेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान करके रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, अब इन्हें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें हम अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो सारा हमने वेट इंग्रेडिएंट्स पोर कर लिया है, अब बैटर को मिक्स कर लेंगे। हम इसे मिक्स करने के लिए कट फोल्ड मेथड यूज़ करेंगे, हमें इसे ज़्यादा विस्क नहीं करना क्योंकि ज़्यादा विस्क करने से केक जो है वो बहुत डेंस हो जाता है। तो ये बस हमारा मिक्सिंग हो चुका है, हम इसे एक साइड पे रखेंगे। ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है मैदा, इसे अलग रख लिया था मैंने, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बड़ी चम्मच किशमिश, और इसमें हम ऐड करेंगे वॉलनट्स जो मैंने थोड़े छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। इस स्टेप से जब हम इसे केक में डालेंगे तो ये जाके नीचे नहीं बैठेंगे और केक में हमें अलग अलग जगह ये मिलेंगे। तो ये था एक छोटा सा ट्रिक केक बनाने में ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के लिए। अब अपने बैटर में हम ये किशमिश और वॉलनट्स ऐड कर लेंगे, थोड़े से मैं टॉप में कवर करने के लिए रख लूँगी। हल्के से हम मिक्स कर लेंगे बैटर में और बैटर हमारा रेडी है। देखिए मैंने कुक ये अपना गैस का सेटअप ओवन तैयार करके रखा है। ये मैंने सॉल्ट लिया है जिसे मैंने बेस में लगाया है, और उसके ऊपर एक स्टैंड रख लिया है ताकि हाइट बढ़ जाए,
और आपने देखा ही होगा कि मैं ये सॉल्ट बार बार यूज करती हूँ तो थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो चुका है। और ये जो हमारा रेडी किया हुआ बैटर है इसे केक टिन में डाल के मैं फटाफट से बेक होने के लिए रख दूँ। तो ये बैटर मैंने पोर कर लिया, इस तरीके से टैप कर लीजिए ताकि कोई भी एयर गैप्स ना रह जाए। और चलिए अब इस गार्निश कर लेते हैं चॉकलेट चिप्स ड्राई फ्रूट से, जिसे मैंने गार्निश कर लिया है। तो 15 मिनट हो चुके हैं फुल फ्लेम के ऊपर, मैंने इसे प्रीहीट कर लिया है और कढ़ाई ओवन हमारा बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। तो अब चलिए बेक होने के लिए केक को रखते हैं इसमें। तो इसे हम कवर कर लेंगे, इसे हमें बेक करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर 25 मिनट्स और लो फ्लेम के ऊपर 25 मिनट्स। 50 मिनट्स टोटल हो चुके हैं और मैंने गैस को बंद कर लिया है। चलिए केक चेक करते हैं। तो ये देखिए केक कितने ब्यूटीफुली बेक हुआ है, इसे चेक कर लेंगे। तो मैंने लिया है एक टूथपिक, इसे इंसर्ट करेंगे और देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन आया है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। केक को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे 15-20 मिनट लगभग और फिर इसे डीमोल्ड कर लेंगे। चलिए अब अपने केक को हम डीमोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से एक प्लेट रखेंगे, पलट करके हम केक को निकाल लेंगे। अब हम इसका बटर पेपर निकाल लेंगे, तो केयरफुली साइड से भी हम इस तरीके से बटर पेपर निकालते हुए केक को पूरा डीमोल्ड कर लेंगे। तो चलिए अब केक को सर्व कर लेते हैं। तो इस प्लेट में मैं सर्व करूंगी। तो ये देखिए हमने अपने बनाना केक को कर लिया है सर्व और मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी। बहुत ही स्पंजी बना है हमारा केक और बहुत ही डिलीशियस है ये। तो मैं आप केक कट करके आपको दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक है ये और बहुत ही डिलीशियस है। देखिए हमारा केक कितना स्पंजी और कितना डिलीशियस लग रहा है। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।